रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। हमने क्या चीज फाइंड करनी है, सिंपलीफाई करना है इसको। ये भी हमारे पास 3.4 की तरह है। सबसे पहले इसको हम किसके इक्वल करते हैं, लेट करते हैं x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। इधर आ जाएगा हमारे पास 25.47। इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म में है। इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25.47, इधर पावर की आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के पास आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 25.47 की पावर हमारे पास क्या है, 1/3। अब यहां पे हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, पावर रूल का। आपको पता है पावर रूल हमारे पास कहां पे आ जाती है, शुरू में आ जाती है। तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, लॉग 25.47, ठीक है, इधर क्या आ गया 1/3। और लॉग 25.47 का जब हम लॉग लेंगे, लॉग 25.47 आंसर इज 4.1060। ठीक है, इसको हम डिवाइड करवा देंगे 3 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.4686। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आ गया, लॉग x हमारे पास क्या आ गया, 0.4686। देन हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हम क्या लेंगे, एंटी लॉग, इधर भी आ जाएगा एंटी लॉग किसका, 0.4686। तो जब हम एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट प्रेस करके, लॉग प्रेस करके एंटी लॉग, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2.942, या इसको हम राउंड ऑफ करके 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। रिव्यू एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर हमारे पास क्या है, 3 वाला इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, रिव्यू का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाएगा। रिव्यू एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बिल्कुल ये 3.4 की तरह का है। अगर आपने 3.4 की हुई अच्छे तरीके से, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये भी क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ेगी। चलें, अच्छा हम करते हैं फिर भी, लेट सारी वैल्यू को हमने किसके इक्वल करना होता है, इस सारी वैल्यू को हमने किसके इक्वल करना होता है, x के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8.97 की पावर क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.95 की पावर क्या आ जाएगी, 2 ओवर, इधर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 15.37, और रेडिकल में क्या है हमारे पास, 3। ठीक है, अब देखें सबसे पहले इस रेडिकल को आपने चेंज करना है, किसमें, एक्सपोनेंशियल में, 8.97 की पावर है 3। तब तक आपने लॉग अप्लाई नहीं करना जब तक आपके पास फॉर्म रेडिकल में ना पड़ी हो, सॉरी एक्सपोनेंशियल में ना हो। यहां पे क्या जगह 15.37 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, अब हम यहां पे लॉग अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहां पे भी आ जाएगा लॉग, और यहां पे भी आ जाएगा लॉग 8.97 की पावर क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.92 की पावर 95 की पावर क्या आ जाएगी, 2 ओवर, इधर क्या आ जाएगा, 15.37 की पावर हमारे पास क्या है, 1/2। अब देखें, अब ये हमारे पास लॉग जब हम अप्लाई करेंगे, तो हम इस मल्टीप्लीकेशन को केस में, केस को प्लस में कर देंगे, और डिवीजन को केस में, को माइनस में कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग 8.... हम क्या करेंगे, ये देखें पावर है, पावर रूल अप्लाई नहीं करेंगे 3 शुरू में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग 8.97 प्लस 2 लॉग 3.97 माइनस 1/2, इधर क्या आ जाएगा, 15.37। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं, इधर क्या हो जाएगा, 3 लॉग हमारे पास क्या आएगा, इधर आ जाएगा लॉग 8.97 इज इक्वल टू क्या आ गया, 8.97 का लॉग आया 0.9527। ठीक है, प्लस 2 लॉग क्या आ गया, लॉग 3.95, ये आ गया हमारे पास 0.5965 माइनस, यहाँ पे हमारे पास, यार यहाँ पे लॉग भी आना है, यहाँ पे पहले आएगा लॉग, देन हम डिवाइड करेंगे 1/2, शुरू में लॉग 1/2 वैसे का वैसे ही लिखा रहने दें, हमारे पास क्या आएगा आगे, हमारे पास आ जाए आगे लॉग 15.37, ये हमारे पास क्या आया 11.1866।
ठीक है। अब देखिए अगर हम 3 को अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 को हमने इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया 0.9527। तो हमारे पास क्या आ गया 2.858581 आगे क्या है प्लस। अब इस 2 को मल्टीप्लाई किया हमने, 2 को मल्टीप्लाई किया 0.5 0.5965 तो हमारे पास क्या आया 1.193 आगे आएगा माइनस। अब देखें अब अगर हम इस वैल्यू को डिवाइड करें 1.1866 को डिवाइड किया हमने 2 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5933 ब्रैकेट करें क्लोज ठीक है। अब हम सारी वैल्यू को अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 2.8581 प्लस 1.1 1.1 9 3 माइनस 0.5 0.5 9 3 3 ये हमारे पास आया जी 3.4578 ठीक है। ये हमारे पास किसका आ गया आंसर लॉग एक्स का। अब हम आगे क्या लेंगे एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग एक्स सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग एक्स यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग किसका 3.4578 ठीक है। जब हम लो एंटी लॉग लेंगे इस वैल्यू का तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2.8689 ये हमारे पास समथिंग आंसर आ जाएगा 0.45। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होती है रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अगर आपने सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अब इस चैप्टर 3 की लाजमी रिवीजन कीजिएगा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 हमारे पास हो गए कंप्लीट। अब हम आगे इंशाल्लाह ताला वीडियोज़ देखेंगे 4 चैप्टर की। अगर आपको हमारी मैथ्स की सारी वीडियोज़ चाहिए अभी तक आपने हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अगर आपको हमारी मैथ्स की सारी वीडियो चाहिए तो हमारी वेबसाइट mathskidunia.com को लाजमी विजिट कीजिएगा। आपका अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।